ये जानकर के घर में दो वृक्ष गिर गए, नंद बाबा उन्हें ले गए वृषभानु के, वहां कंस की सीमाएं सिमट गई, कंस का राज्य वहां तक नहीं था। बरसाने में कंस का राज्य नहीं चलता था, गोकुल में तक ही कंस का राज्य था, बरसाने में नहीं था। बरसाने में तो वृषभानु का राज्य था। और कब से वो तप कर रहे थे कि कृष्ण का आगमन होगा, इसलिए हर घर का कोना सजता था, सरोवर सलिलाएं खेत खलियान मन हर दिन सजाते थे। अपने घर को रोज सजाओ, उत्सव करो। वहां लोग पूछें कि कोई नया उत्सव है, उससे कहो कि ना प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा है। शबरी जैसे करते थे, नित्य पल्लव पात्र पुष्प रंगोली अल्पना नित्य स्वस्ति वाचन, हर दिन मंगलवार तोरण द्वार मंगल कलश भर के लाती, हर दिन बुहारी लगाती, हर दिन कंटक चुनती, वैसे ही ऋषभानु कर रहे थे। 9 लाख गऊएं जिनके पास थी, ऐसे नंद बाबा अपने मित्र के यहां विश्वास के साथ चले गए। हो सके तो कुछ विश्वस्त मित्र तैयार करना, हाँ धन भी संभाल कर रखना, पर विपत काल में कई बार धन काम में नहीं आता, अपने काम में आते हैं, मित्र काम में आते हैं, स्वजन परिजन काम में आते हैं, इष्ट काम में आता है, वो काम में आते हैं जो आपके दोष भुला दें। इसलिए अब विपत काल है तो मित्र के पास चले गए। धनवान वही है जिसके अनेक मित्र हों, और आपके पास सब कुछ हो और मित्र न हो तो आप दरिद्र हैं। अच्छे मित्र बनाए, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परखिए चारी। तुलसी बाबा कहते हैं ये चार ही आपत्काल में सहायक बनेंगे, विपत्ति काल में और कोई सहायक नहीं बनता, ये चार ही हैं जो सहायता करते हैं, सब साथ छोड़ देंगे यही तो काम आते हैं। धीरज धैर्य धर्म मित्र अरुणारी, नारी काम में आती है, वो पुत्री हो पत्नी हो माँ हो भगनी हो, वो ज्येष्ठा गुरु हो कोई हो, इस धरती पर नारी काम आती है, पत्नी बनकर पुत्री बनकर गुरु बनकर माँ बनकर वो शिक्षिका बनकर संस्कार दान देने वाली, इसलिए आपत्काल में यही काम में आते हैं और कोई काम नहीं आता। वृषभानु के यहां चले गए, और जैसे वृषभानु के यहां गए तो वृषभानु राजा ने कीरत रानी ने कहा ये दूर दूर तक जितने भी खेत दिखाई देते हैं अंतहीन ये चंद्राकार व्रज हमारा जो आरंभ होता है, देखा जाए तो नंदगांव बरसाना गोवर्धन, ऐसे अगर आप एक देखें तो आर्च बनती है, एक धनुषाकार बनता है। आप अगर कोसी से ऐसे जाएं नंदगांव फिर जाएं बरसाने और फिर जाएं गोवर्धन, एक धनुषाकार चंद्राकार एक आर्च बनती है जहां चंद्रवंश के लोग रह रहे थे, ये सब आपका है। खेत खलियान ये झील जलाशय ये सारे सरित सरोवर ये सब आपके हैं। थोड़ी शंका हो गई यशोदा को कि इसके पीछे कुछ और मांग तो नहीं है, ये बहुत देर से एक ही बात कह रहे हैं कि सरित सरोवर झील जलाशय खेत खलियान वन उपवन उद्यान घर मकान सब आपका है, मैंने सब सौंप दिया आपको, ये सब नंद बाबा का है। तो यशोदा ने धीरे से कहा नंद बाबा से कि इसको बदले में क्या चाहिए ये तो पूछ लो, पता नहीं क्या शर्त रख देगा, सब तो दे दिया हमें पर इसे क्या चाहिए, इसके मन की तो पूछो, क्योंकि इसके मन में लालच दिख रहा है मुझे, ये ऐसे ही नहीं देना चाहता, कुछ भी सब कुछ हमें सौंप दिया
इसके भीतर लोभ दिख रहा है मुझे। तो नंद बाबा ने पूछ लिया, भाई पत्नी कह रही है? तो नंद बाबा ने धीरे से पूछ लिया कि सब तो हमें दे रहे हैं, हमें क्या देना होगा? तो उन्होंने कहा बस आपका लाला हमारी लल्ली के साथ खेलने आ जाए करे, हमारे बरसाने, बस हमारी किशोरी जी के साथ, जो हमारी किशोरी है उनके संग कभी हम दूध दें, कभी दध और कभी माखन। और हाँ, हमने सुना है कि लाला को नृत्य बहुत अच्छा आता है, तो हमारे यहाँ आ जाए। अब जब ढूंढा कि लाला तो दिख नहीं रहा है, लाला कहाँ चला गया, तो देखा लाला और लली एकांत में खेल रहे हैं। रिश्ता पक्का हो गया। राधा माधव नाम का एक ग्रंथ है, राधा माधव चिंतन, उसमें ये बात प्रमाण के साथ कही है। भागवत में तो है नहीं, भागवत में तो राधा का एक बार भी नाम नहीं आया है, एक बार भी नहीं, क्योंकि गुरु ज्येष्ठ पुत्र और इनका नाम नहीं लेना चाहिए। कोई अचानक पूछ ले आपके गुरु का नाम तो सीधा नाम मत लो, ज्येष्ठ पुत्र तक का नाम नहीं लिया जाता। शास्त्र कहते हैं बड़े बेटे का नाम नहीं लिया जाता। पूरी रामायण उठाकर देख लीजिए, कौशल्या ने राम नहीं कहा है, एक बार भी उसके मुंह से राम नहीं निकला है। तात, भ्रात, वत्स, भैया, रघुनंदन, रघुश्रेष्ठ, आर्य, देव, लगभग 700 संबोधन है कौशल्या के, लगभग राम के लिए राम नहीं कहा। ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लिया जाता। गुरुओं का एकदम झाड़ से नाम मत ले दो, एकदम पति का भी नाम मत दे दो, रिंटू पिंटू पप्पू चप्पू है ये तो, आदर दो। आप भी एकदम पत्नी का नाम मत लो ऐसा ही, ये भाग्यवती है, सौभाग्य है, सद्भाग्य है। एक दूसरे को एम्पावर कीजिए, एक दूसरे का आदर करिए। इसलिए महादेव की उपस्थिति में ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का विवाह कर दिया। भगवान 11 साल 11 महीने 11 दिन ही तो ब्रज में रहे, और जब भगवान का विवाह हुआ राधा के साथ तब भगवान की आयु बताते हैं 5 वर्ष। ऐसे देवगणों ने उनका विवाह कर दिया, उनके अंतरंग संबंध कर दिए।